रांची के शहरी क्षेत्र के विभिन्न नदी और जलाशय के आसपास से अतिक्रमण हटाने के लिए जिला प्रशासन ने टास्क फोर्स का गठन किया है। मिली खबर के मुताबिक जलाशयों और नदियों के 15 मीटर के दायरे में अनाधिकृत निर्माण पर कार्रवाई की जाएगी। पहले चरण में बड़ा तालाब, हरमू नदी, हिनू नदी और कांके डैम के निकट से अतिक्रमण हटाने का निर्देश जारी कर दिया गया है। इसी क्रम में मंगलवार को हरमू नदी के आसपास से 15 मीटर के दायरे में हुए अतिक्रमण वाली जगहों को चिन्हित किया जा रहा है। चिन्हित करने के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस आदेश के बाद से लोग परेशान हैं। उनका कहना है कि हम यहां 25 सालों से रह रहे हैं, जीवन भर मेहनत करके घर बनाया, अब घर तोड़ दिया जा रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, धरना देने को बाध्य होंगे। अपर समर्थक के और अपर नगर आयुक्त के आदेश में एक ज्वाइंट ऑर्डर निकला है, उसमें हम लोगों को ये आदेश दिया गया है कि हरमू नदी के दोनों साइड 15 मीटर के दायरे में जो भी घर है लेफ्ट राइट दोनों साइड में, उसको हमको चिन्हित करना है और चिन्हित करके एक सूची बनाना है। और नगर पालिका एक्ट के तहत ऐसा कुछ प्रावधान है कि जो नदी के 15 मीटर लेफ्ट और राइट में जो भी घर बनाना है वो अपने अनुसार वो चिन्हित करके उसमें अतिक्रमण चला के उसको वो तोड़ सकता है। बस अभी सिर्फ आदेश है कि वैसे मकान को चिन्हित करना है जो 15 मीटर के दायरे में बना हुआ है। चिन्हित कर रहे हैं जो भी अतिक्रमण है सर, उन लोग नोटिस देगा एक समय सीमा के अंदर उसको हटाने के लिए बोलेंगे, तत्पश्चात जो उसको तोड़ने का जो भी कार्रवाई होगा नियमानुसार वो करेंगे। सेकेंड ऑप्शन क्या होगा उन लोगों के लिए जो बहुत पहले से रह रहे हैं सर, उनके लिए कोई ऑप्शन दिया जाएगा? इस मैटर में तो हम तो नहीं कुछ बता सकते हैं, हमें जो आदेश मिला चिन्हित करने के लिए बस मैं उसी पर ध्यान अपना लगा रहा हूँ। क्या नाम है आपका? उमा शंकर चौधरी। यहाँ कब से रह रहे हैं? 25 साल से ऊपर हो गया रहते हैं। जीओ साहब आए हैं पता है? नहीं। अब ये आदेश जारी किया गया कि जो भी तालाब के अगल बगल 15 मीटर दायरे में आएगा उस घरों को पहले नोटिस दिया जाएगा, बाद में तोड़ा जाएगा। जो जमीन खरीदा होगा, रहती जमीन होगा, उसको क्या करेगी सरकार, उसके बारे में क्या सोचेगी? जो आदमी खरीद के बनाया है, अपना जीवन का एक पैसा जीवन का लगा कर घर बनाता है, उसके बारे में सरकार क्या करेगी? तो इस स्थिति में आप लोग क्या करेगा फिर आगे? क्या करेगा आदमी? मनसन करेगा, घेराव करेगा, बहुत तरह की बात आएगी। किस तरह की तकलीफें हो सकती है, क्योंकि आप लोग बहुत सालों से यहाँ पे रह रहे हैं? बहुत तरह दिक्कत होगी। आप लोग इंसान है, पता नहीं कि मैंने घर जिसका टूटता है उसको क्या बीतता है, जो एक एक पैसा जीवन का लगा करके बनाया है, पेट काट करके गरीब बनाता है, कोई फुचका बेचता है, कोई ठेला चलाता है, कोई कुछ करता है, उस परिस्थिति में इंसान के साथ ऐसा होगा तो क्या करेगा? पहले कुछ भी दिया गया था? नहीं, ये नदी नापी 9 से स्टार्ट हुआ है। जब ये नापी नदी का क्लियर हुआ, वो बीरबू लोहरा करके अमीन थे, वो सब यहाँ ये प्लॉट तो 6 बार नपाया है, वहाँ 2 मकान था। तो पहले तो अभी जांच होगा, देखा जाएगा, उसके बाद फिर कार्रवाई होगी। अब तो देखने की चीज़ है, सरकार अपना देखे क्या करेगी, लेकिन गरीब आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा नाम रविंद्र कुमार यादव हुआ, हम यहाँ मोटा मोटी 22 से 23 साल से यहाँ पे घर बना कर रह रहे हैं। जमीन आदेश जारी हुआ है पता है? ये आदेश तो मान लीजिए अनलीगल है, मान जो जमीन हम खरीदे हैं और नदी का दायरा जो भी हो उससे सरकार अपना हिसाब से चल रहा है, लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग 25 साल से यहाँ जो जमीन लेके रह रहे हैं, तो इसके पहले जमीन में एक्वायरिंग रहता है या कुछ भी समाचार पत्र में रहता, तो हम लोग उसके हिसाब से कुछ चिन्हित कर देते तो हम लोग नहीं लेते ना। अब लेने के बाद हम लोग यहाँ 20 साल से घर बना के रह रहे हैं, 2-2 रुपया जोड़ के कमा के आदमी कर रहा है, उसको अब हटा दीजिएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बीच में भी आप लोग को आदेश दिया है? बीच में आदेश दिया हुआ था, तो 5 मीटर का दायरा का हम लोग भी ये किए कि 5 मीटर का दायरा में ये किया जाए, जिससे सरकार का जो नदी और जल स्थल का प्रवृत्ति है वो दूर हो जाए और हम लोग को भी रहने में सुविधा हो। तो आपको क्या बोलना चाहते हैं? हम लोग सरकार से यही चाहते हैं कि नदी का जो ओरिजिनल जमीन है वो ले और उसको ये करे, हम जहाँ हम लोग सुरक्षित करें। और हम लोग नक्शा देखा जा रहा है, उसके उपरांत ही आगे कुछ फिर कार्रवाई होगी। नक्शा तो सर नक्शा के जो नक्शा तो अभी आप लोग पहला नक्शा का तो पता ही नहीं चल रहा, पहला नक्शा से यहाँ पे 6 बार ये नदी का जो जमीन है 6 बार नापी हो चुका है। हम लोग यहाँ आगे आप लोग क्या करेंगे अगर कार्रवाई होता है? तो हम सरकार से यही कहेंगे कार्रवाई होगा तो हम लोग का कोई भी व्यवस्था करेगा तब तो कार्रवाई करेगा। सेकेंड ऑप्शन हम लोग को चाहिए ना, इसलिए हम लोग तो यहाँ जमीन खरीद के घर बनाए।